आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। प्रकाशित वाक्य किस अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह है। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। जीसस वार्निंग। आज एक मसीह यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी वही घिनौना काम कर रहा है जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। और आज एक मसीही अपना जीवन ऐसे बिता रहा है कि उसे कभी मरना ही नहीं है। इस बात को याद रखना, आप जब आपको दूसरी मृत्यु दी जाएगी तब वहाँ खूब एक दूसरे को लव यू करना और खूब सेक्स वीडियो देखना। उस समय इतना हाहाकार मचा होगा, उस अनंत काल की आग में। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी आपके पास पूरा समय है, छोड़ दो। क्यों नरक में जाना चाहते हो? वहाँ 1-2 दिन के लिए नरक में नहीं डाला जाएगा, बल्कि युगान युग के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कहा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मगर वह मनुष्य अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर पाप कर देता है। थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा शारीरिक मजा लेने के चक्कर में वह व्यक्ति भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। बहुत महंगा पड़ेगा नरक में जाना। वहाँ ना आग बुझती है और ना वहाँ के कीड़े मरते हैं। वहाँ आपको हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ से आपकी आत्मा श्वेत निकालकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा और फिर उसको उसी आधार पर उसको नरक में डाल दिया जाएगा। वही शरीर पहनाया जाएगा जिससे आपने व्यभिचार और गलत काम किया है, उसको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। तब वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब वहाँ रोने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। अभी समय है, परमेश्वर के पास लौटाओ। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, अपना मन फिरा लो और यीशु के पास लौट आओ। अगर आप अपना मन नहीं फिराओगे तो ऐसा ही हाल होगा। आप मनुष्य से छिपकर तो पाप कर सकते हो, परंतु परमेश्वर से छिपकर पाप नहीं कर सकते हो भैया। इसलिए यीशु ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। अभी समय है, अभी वक्त है, अपना मन फिरा लो, वरना वहाँ आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वहाँ स्वत सिंहासन के सामने सिर्फ न्याय किया जाएगा। तब वहाँ रोने और गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोग श्वेत सिंहासन के सामने लाइन से खड़े होंगे और रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वहाँ माफी नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नरक में डाल दिया जाएगा। उसको वही शरीर पहनाया जाएगा, वही शरीर पहनाकर परमेश्वर उसको नरक में डाल देगा, फेंक देगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 20:14-15 में लिखा हुआ है। वीडियो को आंख खोल कर देख लेना, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अगर आप इसी तरह पाप करते जा रहे हो, अपना जीवन इसी तरह बिताते जा रहे हो, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। इसलिए अपने प्राणों को बचा लो, बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक सजा दी जाएगी। आई होप, आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप परमेश्वर के लिए यह काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम प्रचार ही करें। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में कितना खुशियाँ स्वर्गदूत मनाते हैं। इसके बदले आपको मुकुट देगा परमेश्वर, मुझे नहीं देगा। जब एक आत्मा बसती है तो स्वर्ग में खुशियाँ मनाई जाती हैं। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।